आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन के दो चेहरे हैं। एक चेहरा उस शहाबुद्दीन का जिसके खिलाफ अनेक क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। दूसरा चेहरा उस शहाबुद्दीन का जिसने अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से। और मेरा नाम है सुमान कुरैशी, वेलकम टू आवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज की बात बहुत जबरदस्त होने वाली है, मतलब वीडियो आज की वीडियो बहुत अच्छी। हाँ, तो बात मैंने कर दी भाई टाइटल और थंबनेल देकर, तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है। भाई मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आए हैं आपकी अदालत में। तो भाई मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कौन है ये आप लोगों को बताइए। भाई हर किसी के मोस्ट फेवरेट है, बिहार की अगर किंग की बात करें या रॉबिन हुड की बात करें, उनकी लाइफ एक रॉबिन हुड की तरह गुजरी, तो भाई कहना कम नहीं होगा। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब ने पूरे बिहार के राज्य, मतलब बिहार की बात करें तो उसको पूरा चेंज कर दिया। मतलब डॉक्टरों की फ़ीस कम कर दी, जो परेशान थे उनकी हेल्प की थी, मतलब गरीबों का एक मसीहा थे। आज भी लोग उनको याद करके रोते हैं, वो कहते हैं यार अगर उस तरह का मसीहा आज है। इवन के बहुत से इश्यूज हुए उनकी लाइफ के ऊपर, मतलब 11 साल जेल के अंदर रहे लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। तो भाई आज उनकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, देखते। अच्छा, ये वीडियो बहुत बड़ी है तो भाई टू पार्ट्स में बनेगी और नेक्स्ट में इंशाल्लाह उसके पार्ट कर लेंगे, ठीक है। दो बनाएंगे या तीन पार्ट इसके बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 3, 2, 1 प्ले। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम एक ऐसे नेता को पेश कर रहे हैं जो राजनीति के अपराधीकरण का सिंबल बन गया है। ऐसा नेता जिसने चुनाव जीते लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे चले। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। सीवान के एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन आपकी अदालत में हाजिर हो। पहला कोर्ट है जहां बैठने की भी व्यवस्था है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन के करियर पर। बिहार में सीवान इलाके के एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन के दो चेहरे हैं। एक चेहरा उस शहाबुद्दीन का जिसके खिलाफ अनेक क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। दूसरा चेहरा उस शहाबुद्दीन का जिसने एमपी बनने के बाद अपने इलाके सीवान में विकास के काम किए। शहाबुद्दीन लाइव आइडेंट सिटीजन है, कानून को मानने वाला हमारा एमपी है। एक एक कार यदि हम आप कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कोई लठैती या मारा पीटी करने वाले लोग नहीं हैं। एक शहाबुद्दीन जिसके खिलाफ 18 साल की उम्र में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए। एक शहाबुद्दीन वो जो 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर बिहार की विधानसभा में पहुंचा। एक तरफ वो शहाबुद्दीन जिस पर हत्याओं और किडनैपिंग्स जैसे अपराधों की सूची बढ़ती गई, तो दूसरी तरफ वो शहाबुद्दीन जिसने 1986 से लेकर अब तक 4 लोकसभा चुनाव जीते। लालू यादव तो इतना गैर जिम्मेवार एक अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। जब शहाबुद्दीन जेल में गए तो ये जेल में जाते हैं मिलने। जब शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने डीपी ओझा को बर्खास्त कर दिया। जब शहाबुद्दीन जेल गए तो लालू यादव अपने काफिले के साथ जेल जाते और कहते कि मेरा छोटा भाई है। तो लालू यादव जैसे लोगों के ही कारण शहाबुद्दीन जैसे अपराधी बिहार में पल रहे हैं। शहाबुद्दीन का एक चेहरा वो है जो सिर्फ सीवान तक सीमित रहता है, तो शहाबुद्दीन का दूसरा चेहरा वो है जो अक्सर नेशनल मीडिया में छाया रहता है। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपकी अदालत में मोहम्मद शहाबुद्दीन पर इल्जाम है कि ये अपराध जगत के सरगना है। ये बात सही है कि आपके जो विरोधी हैं बिहार में वो आपके आतंक से आपके नाम से कांपते हैं? नहीं, अगर ऐसा रहता तो उनको 3 लाख वोट्स कैसे आते? आपका इतना आतंक है कि जब चुनाव होता है तो सिर्फ आपका पोस्टर लगता है, सिर्फ आपके बैनर लगते हैं? किसी तो डिपेंड करता है वहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है। नहीं, सबको लगता है। अगर उनको वोट्स लगता नहीं उनका बैनर तो वोट्स मिलते कहाँ से? आपके जो विरोधी हैं उनको किसी तरह का कोई डर नहीं है आपसे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि उनके जब बयान अब अखबारों में पढ़ते हैं वो तो कहते हैं कि शहाबुद्दीन जब सोते हैं तो हैंड ग्रेनेड अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं। मैं बस आपके सामने हूँ, अकेला हूँ और मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। मेरा कोई तस्वीर ऐसा मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए, अगर शादी वादी में नहीं हो
जिसमें मेरा लश्कर और लश्कर के साथ मैं घूम रहा हूँ। मैं मुझे जब भी देखेंगे अकेले ही देखेंगे। मैंने सुना कि 10 आपके दोस्त हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं और वही तय करते हैं आप कौन से रास्ते से जाएंगे, कौन सी गाड़ी में बैठेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ये सही फरमाया। हम स्कूल से 10 नहीं, हमारे स्कूल में जितने साथी थे वो कॉलेज में भी रहे, कॉलेज के बाद भी आज राजनीतिक जीवन में भी अगर वो सर्विस भी करते हैं तो मेरे साथ होते हैं। और ये सही है कि करीब 500 लोगों की फौज है जो आपकी सुरक्षा करती है, प्राइवेट आर्मी आपकी है। फिलहाल तो यही लोग दिख रहे हैं मेरे पास, मुझे किसी से लड़ाई ही नहीं है। अगर आपकी किसी से लड़ाई नहीं है तो सीवान के अलग अलग पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज क्यों हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं इसका मिसाल ऐसे दे दूं कि मैं अभी 2.5 साल हो गए हमें घर गए हुए, इस दरमियान मुझ पे 8 मुकदमे अगर दर्ज होते हैं, जिसको मुझे लगता है कि आने वाले सवालात में आपके वो भी होंगे, हरण के खाल रखने का, हरण का शिकार आने वाले करने क्यों का। अभी सवाल पूछ मैं बता वाला? रहा हूँ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरे ऑब्सेंट मेरे गैर मौजूदगी में 8 मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, जिसका प्रमाण है। मैं देखिए 2 साल तक मैं जेल में बताता हूँ। ये जो 24 अप्रैल की आप बात कर रहे हैं, प्रतापपुर आपके घर जब पुलिस गई, जब उन्होंने वहाँ पर रेड की, उसकी जो जानकारी मेरे पास में है, वहाँ के जो SP हैं रतन संजय और DM CK के अनिल, ये दोनों लोग गए थे रेड करने, और जब आपके 11 घरों की तलाशी ली गई उसमें 80 अलग अलग बोर की गोलियां, होल्स्टर्स, नाइट विजन डिवाइस, BHF का वॉकी टॉकी, शेर की खाल, हिरण की दो खालें और एक जिंदा हिरण बरामद किया गया। अगर मेरे पास लाइसेंस है इन अलग अलग बोरों का तो फिर ये अवैध आपने डिक्लेयर कैसे किया? अगर वॉकी टॉकी की बात कर रहे हैं उसकी अनुज्ञप्ति भारत सरकार ने मुझे लाइसेंस दिया। अगर आपने और दूसरे चीज़ों की बात की, नाइट विजन की, तो उसके भी मैं कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। मैंने हमेशा बार बार चिल्ला के कहा, जिनको बनाना रहता है, क्रिएट करना रहता है मुकदमे, वो करते हैं। आपने शाबुद्दीन जी ने बताया कि जो अलग अलग तरह की राइफल्स, बंदूकें, ऑटोमेटिक गन्स हैं, तो क्या करते हैं? कोई ऑटोमेटिक गन्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास 1932 से, जो लोग जानते होंगे मुझे, मेरे घर में 1932 से बंदूकें हैं। जिस परिवार में 1932 से बंदूक रही होंगी वो परिवार 1932 से कैसा रहा होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें लिखा है कि जब SP रतन संजय और DM वहां गए तो गांव के लोगों ने उन्हें एक दरबार लगाया और गांव के लोगों ने शिकायत की कि कुछ लोग अपने घर में अपराधियों को शरण देते हैं, उनके पास में अत्याधुनिक हथियार है और ये सब गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, इसलिए ये रेड की गई। पहली बात के आपके पास वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। उसने अगर लगाया जनता दरबार तो हमें नहीं लगता कि एक आदमी भी उसमें गया भी, उनके अधिकारी थे, कर्मचारी थे। शिकायत करने का प्रश्न नहीं। मेरा गांव पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आप अगर सिवान से किसी से रिपोर्ट करवाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बड़ा यूनाइट गांव माना जाता है। और मेरा गाँव में भी मतभेद अगर हो जाए तो मुझे बेकार है पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना। ये तो पुलिस के लोग कहते हैं इतना डरते हैं गांव वाले कि आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होता है। नहीं, मेरा गांव बेसिकली ठाकुरों की गांव है और ठाकुर बाई बर्थ डरते नहीं। ये सच है कि आपके जब जो आपका पैतृक गांव है प्रतापपुर का, प्रतापपुर के घर में जब पीछे आंगन में खुदाई की गई तो उसमें से मानव कंकाल मिले? बिल्कुल, SP तो आपके कह रहे होंगे तो आपने सूट भी कराया होगा, उस पर मुकदमे भी कायम होनी चाहिए। किसके कंकाल थे ये तो बताएं? ये तो SP ही बता दें। मैं तो 2.5 साल से रजत जी बाहर हूँ, मैं 2.5 साल से बाहर हूँ। उन्होंने एक CD जारी की है जिसपे 19 तस्वीरें हैं, जिसमें अलग अलग मुद्राओं में लोगों को हिरण के शव के साथ बैठा दिखाया गया है। नहीं, सुना है हमने, कई लोगों ने बताया जिन्होंने TV वगैरह पे देखा ऐसी बातें हैं। आपने नहीं देखा? नहीं, हमने मैं आपको दिखा देता हूँ, हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अच्छी बात है, प्रसन्नता होगी।